क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे बच्चों वेक्टर एडिशन मेथड, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी बच्चों ग्राफिकल मेथड, और एक बात बताई थी मैंने आपको एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड द एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग ग्राफिकल मेथड, एनालिटिक मैं थोड़ा बताऊंगी, लेकिन कल के लेक्चर में इसको डीपली पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। इसमें फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, ये कंसेप्ट है, आंसर दोनों ही तरीके से सेम आता है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड के अंदर, बच्चों हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है बच्चों इसमें पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है बच्चों पॉलीगन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्राफिकल मेथड में, बात करते हैं इनका ग्राफिकल ट्रीटमेंट बात करते हैं। वैसे बच्चों ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों का फॉर्मूला बच्चों सेम ही आता है। जब हम एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें इन दोनों का फॉर्मूला बेटा सेम ही रहेगा, ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगी कैसे। सबसे पहले इसमें बात करते हैं बच्चों, आज के फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा इसमें कैसे करते हैं बेटा, देखो मान लीजिए एक वेक्टर ए है और इसको हेड टेल मेथड ही बोलते हैं बच्चों, हेड टेल मेथड, टेल मेथड, इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, हेड टेल मेथड। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही दूसरा नाम है बच्चों हेड टेल मेथड, ठीक है। हाँ, एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है बच्चों और ये वेक्टर क्या है आपका बी है, लेकिन लोग क्या कहता है पहले मैं समझाती हूँ फिर इसको आपकी इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। पहले समझते हैं, मान लिया बच्चों ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर बेटा बी है, इनको एक वेक्टर की हेड, देखो इसको बोलते हैं बच्चों हेड, इसको बोलते हैं बेटा टेल। एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर देंगे, एक वेक्टर की हेड, देखो ये वेक्टर ए है, ये इसकी हेड है और ये वेक्टर बी है बच्चों, ये बी की क्या है बच्चों यहां पे ये टेल है। एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर देंगे तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, देखो कैसे मैंने ऐसे बनाया, देखो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और देखो ये यहां से इसकी टेल से टेल और इसकी हेड से हेड, तो तीसरा वेक्टर जो बना ये बताएगा बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या बताएगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आर को लिखेंगे बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आर बताएगा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, ठीक है। हाँ, कल के लेक्चर में जब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, ये इसका डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस थीटा, थीटा विद एंगल बिटवीन दीज टू, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल,
ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल थीटा। हाँ कर बताऊंगी मैं सभी डायरेक्ट याद रखो। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक है। और टेन थीटा जो है आपका वो हो जाएगा बच्चों बी बाई वैक्टर ए के, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए के, ठीक है। ये टेन थीटा डायरेक्शन को बताएगा बच्चों, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। कल के लेक्चर में ड्राइव करेंगे, लेकिन आज मैं ग्राफिकल समझा रही हूँ ना, इसलिए मैं इसको ड्राइव नहीं कर रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ। कल के लेक्चर में ड्राइव करके बताऊंगी आपको। समझ आया क्या करना है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पहले देसी भाषा में समझो, फिर इंग्लिश में समझाएंगे कि एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर दो। एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर दो, तो तीसरा वेक्टर जो है बच्चों, तीसरा वेक्टर क्या बताएगा आपका? थर्ड साइड वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। थर्ड साइड वेक्टर क्या बताएगा बेटा? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, जिसका आंसर बच्चों ये आएगा सोल्व, ठीक है। समझ आ गया इतना सबको? अब आगे देखो। हाँ, अब मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब देखो, अब इसको लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो कोई भी लॉ हो तो ये लाइन तो आगे लगा ही दिया करो कि ये लॉ क्या कहता है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, ऐसे लिखो, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टेकिंग, बाय टेकिंग सेम ऑर्डर, बाय टेकिंग सेम ऑर्डर, बाय टेकिंग सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द, देन द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड, then the resultant is given by the third side of the triangle, third side of the triangle, of the triangle in magnitude and direction, in magnitude and direction taking in, taken in अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, ये जरूरी है बच्चों आपको समझना। हाँ, ये जरूरी है, ये लैंग्वेज आपको समझना। क्यों बेटा? इसलिए जरूरी है ये, जब आप बुक से पढ़ोगे तो बुक की लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, ये लैंग्वेज क्या कहना चाहते हैं। हालांकि कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया वहां से, ठीक है, लेकिन आपको ये बात बच्चों समझ आनी चाहिए, ठीक है। कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये कह रहा है। ऊपर से हटा दो एक बार, थोड़ी जगह दिख रहा है नीचे। हाँ देखो, ये दो वेक्टर है, इधर दिख, इधर लिखती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, दो वेक्टर है, देखो उसने कहा इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टेकिंग सेम ऑर्डर,
by third side of triangle in magnitude and direction taken in opposite order. देखो इनका order same था, head tail head tail. अगर मैं इसको ऐसे connect कर दूंगी तो ये resultant zero बन जाएगा. लेकिन उसने कहा opposite order. अब देखो same order में चलते तो देखो ये head tail ऐसे चलना चाहिए था. लेकिन opposite order का मतलब बच्चों अब आपको टेल से टेल मिलानी है और हेड से हेड, ताल से ताल मिलानी है और हेड से हेड मिलाना है. ठीक है, सुनोगे ना, ताल से ताल मिला. ठीक है, तो वो याद रखो. तो टेल से टेल, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये आएगा बच्चों आपका आर बराबर ए प्लस बी के बेटा. तो ये कहता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा. समझ आई बात इतनी? ये क्या बताएगा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताओ. इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए. सभी बच्चे समझ आ गए, डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ मैं साइड में हूं, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से. आगे समझ में? चलो ठीक है, आगे चलें. यस हाँ, अब देखिए बेटा इसको कैसे लिखेंगे. जैसे क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी है वो ऐसे चला. मान लिया आपके पास गौरव है, गौरव 4 मीटर चला आपका पूर्व में. ठीक है, गौरव 4 मीटर किधर चला आपका? पूर्व में चला बेटा. ठीक है, और 3 मीटर फिर ये दक्षिण में चला, फिर इसका मूड बदल गया, फिर ये 4 मीटर फिर पूर्व में चला यहां से. ठीक है, तो पूछा है आपसे फाइंड द रिजल्टेंट, फिर ये नीचे फिर 3 मीटर आया. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस सिचुएशन. फिर से देखो, एक आदमी बच्चों 4 मीटर चला आपका पूर्व में, 3 मीटर चला बच्चों दक्षिण में, फिर 4 मीटर पूर्व में चला और फिर 3 मीटर दक्षिण में चला. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? What is the value of resultant vector? आपको लगेगा मैडम आपने तो शुरू में वेंगर पकड़ा दिया, ये तो है ना, कुछ नहीं. देखो सेम डायरेक्शन बच्चों जुड़ जाएगी. देखो 4 4 ये दोनों पूरा में है ना, तो ये बन जाएगा बच्चों 8 और 3 3 बच्चों 6. हेड टेल मिला दिया, देखो इसकी टेल इसकी हेड से और ये बना बच्चों रिजल्टेंट. ये क्या बन जाएगा आपका रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया फॉर्मूला डायरेक्ट 8 का स्केल. देखो वैसे तो पता पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, वैसे भी आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम बन रही है. तो 8 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर 64 जमा 36, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा. वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट हो गए भाई सारे, आंसर पहले भेज दिया. वेरी गुड, शाबाश सृष्टि, दैविक, रिया, अंशिका, वेरी गुड, विनय मित्तल, वंश, अंशिका, सचिन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, गौरव चौधरी, वेरी गुड. ठीक है, हाँ समझ आ गया. हाँ अब देखो ये सिचुएशन बच्चों ऐसे भी हो सकती है, ये तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट समझाया, ये अब आपको समझ लेना है. देखो कैसे एक्चुअल में सिचुएशन ये भी है बच्चों, जैसे मान लें ये वेक्टर ए है बच्चों यहाँ पे और ये वेक्टर है बी. देखो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आपका बी है और ये इस सरफेस से बना रहा है थीटा डिग्री का एंगल. ये प्लेन सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा डिग्री का ये एंगल बना रहा है आपके पास. ठीक है, तो इसको कनेक्ट करो. देखो ये ए है ना, ये रहा ए और बी सरफेस, ये बी रहा, हेड टेल लगाएंगे तो देखो ये बी, तो बी सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा डिग्री का, तो ये बन गया रिजल्टेंट. वो एक ही बात है ना, वो सिचुएशन देने का तरीका चेंज हो गया, बाकी एक ही बात है. जैसे एक और क्वेश्चन देखो,
ये है बच्चों ए वेक्टर। आपसे कहे रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर बताइए, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। तो देखो सिंपल सीधा है, देखो ये रहा आपका ए बच्चों, ए रहा। अब बी देखो ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है बेटा ऊपर, देखो बी ऐसे गया तो बी ऐसे चला जाएगा। अभी सरफेस से ये एंगल कितना बन गया, अब ये एंगल क्या बनाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बच्चों बी बेटा। तो आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा बेटा आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनेगा बेटा। समझ आया, इसे हेड टेल मेथड भी बोलते हैं और इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आ जाएगा आपको। हाँ लिखिए लिखिए, गौरव चौधरी मूव 3 meters टुवर्ड्स ईस्ट। गौरव चौधरी मूव 3 meters टुवर्ड्स ईस्ट, किधर जा रहा वो 3 meters टुवर्ड्स ईस्ट। एंड देन सी टेकन 90 degrees लेफ्ट टर्न, एंड देन ही टेकन 90 degrees लेफ्ट टर्न। He taken 90 degree left turn and move 4 meter north. And move 4 meter north. Find the resultant value. Find the resultant displacement of the Gaurav Chaudhary. Find the resultant displacement of the Gaurav Chaudhary. ठीक है बताइए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इस बच्चे की, जो भी है गौरव चौधरी है, बॉयज है, गर्ल्स है, दिव्या है, देव है, तनीषा है, रिया है, सृष्टि है, किसी का भी नाम लिख लो। ठीक है, हाँ अब बताइए इसका क्या आया 5 meters। इसके ऑप्शन लिखो आप सारे, इसके ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर ए 5 meters, ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों 5 meters 53 degrees ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब जो कल का लेक्चर था ना वो यूज होगा, 5 degrees 50 degrees ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 meters 37 degrees ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑप्शन नंबर 3 5 meters 37 degrees वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। और डी है बच्चों 5 meters 37 degrees 53 degrees वेस्ट ऑफ साउथ। ये ऑप्शन गिवन आपको, फंस गए आप। 5 meters तो सभी में ही है बच्चों, देखो आप क्वेश्चन 5 meters तो यहां भी है, अब क्या करें, अब बताओ आप क्या करें। आप देखो मेरी बात सुनो, उसने कहा 3 meters टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में बच्चों 3 meters गया, चला गया। फिर लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट 90 टर्न ऊपर की साइड में जाएगा, ये नॉर्थ में 90 डिग्री का टर्न लिया 4 meters। तो ये आपने बताया बच्चों रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो आपकी ये आपकी 5 आ जाएगी भाई पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि आपने अभी निकाला बच्चों 3, 4 और 5 आ जाएगी आपकी, आ जाएगी। आप देखो इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला देखो, कल बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ देखो 3 meters बच्चों ईस्ट में चला, फिर 4 meters नॉर्थ में मूव कर गया यहां से, ये 3 और ये बच्चों 4। तो मैंने जब आपको क्या समझाया था, ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी मैथमेटिकल टूल्स में, ये कुछ बच्चों को शायद नहीं ध्यान होगा। तमन्ना इज प्रेजेंट एयर तमन्ना, तो कुछ बच्चों को मैंने मैथमेटिकल टूल्स समझाया था बेटा। यहाँ पे क्या तमन्ना प्रेजेंट है बेटा क्लास में, अभी मैं देखूं तमन्ना आई थिंक नहीं है तमन्ना, चलो ठीक है। हाँ तो उस टाइम पे मैंने बताया था इसकी डायरेक्शन, ये देखो, हाँ ये ट्रायंगल याद करवाई थी मैंने, नहीं याद है तो दोबारा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 ये 4 ये 5, ये 3 ये 4 ये 5, अगर ये 50
ठीक है। अगर एंगल 53 डिग्री है, चार के सामने होगा तो बच्चों 53 डिग्री होगा, बड़ा होगा। चार बड़ा है ना तीन से, देखो पांच तो दोनों में ही कॉमन है, और थ्री से जो बड़ा है आपके पास, थ्री के सामने है तो वो आपका कैसा होगा बच्चों 37 डिग्री। थ्री छोटा है तो उसके सामने छोटा, आपको दो याद बड़े याद रखना है, या तो 37 या 53 डिग्री। थ्री छोटा है तो उसके सामने 37, थ्री थ्री 37 याद कर लो, ऐसे याद करो। थ्री छोटा है जिसके सामने छोटा आएगा, फोर बड़ा है जिसके सामने बड़ा आ जाएगा। जैसे मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे बना दूं, यहाँ पे मैंने मान लिया ये बना दिया 37 डिग्री, तो यहाँ तीन आ जाएगा बच्चों, यहाँ चार आ जाएगा, यहाँ पांच आ जाएगा, तीन चार पांच। जैसे 37 बनाया ना, तो देखो 37 के सामने थ्री आएगा, नीचे फोर, फिर पांच। क्लियर? हाँ, तो अब देखो ये तीन, ये चार और ये पांच आपके पास, तो ये एंगल कितना बनेगा बच्चों आपके पास? देखो चार के सामने एंगल कैसा होगा आपके पास? हाँ बताइए। तो देखो वो यहां से चला है, देखो यहां से नॉर्थ में टर्न लिया था ना उसने, नॉर्थ में टर्न, तो देखो नॉर्थ से वो इधर आया है, नॉर्थ हमारा ये नहीं, तो मैंने पैरेलल शिफ्टिंग दिखाई आपको। हाँ, तो यो इतना कितना चला 37 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 53 डिग्री। वैसे समझ आ रहा ट्रायंगल से कि ये कितना आपका 53 डिग्री। अरे चार के सामने क्या होगा 53 डिग्री होगा ना? हाँ हाँ, ऑप्शन ए नहीं होगा बेटा, अभी समझो, आप समझो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, मेरी बात सुनो, आप सुनो मेरी बात, ए नहीं होगा बेटा, इसीलिए क्वेश्चन दिया आपको। नहीं दैवी, कवंतिका, दिव्या, अंशिका, ऑप्शन ए गलत है बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा, आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। समझो सिचुएशन, समझो आप लोग कैसे। देखो उसने कहा वो ईस्ट में गया और फिर वो नॉर्थ में टर्न कर रहा है, ठीक है। अब वो नॉर्थ से, नॉर्थ की पोजीशन से वो यहां कहीं है बीच में, आपके पास लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब वो नॉर्थ से ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट ऑफ ईस्ट मतलब जिधर जा रहा था, मैंने कहा था ये लिखोगे जिधर जा रहा है बच्चों। देखो ध्यान से सुनो, कल का लेक्चर इसी बातें फोकस कर रहा था, ये पहला वर्ड क्या बताता है कि किधर जा रहा है पर्सन, तो ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है, अरे ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे गया नॉर्थ में, तो अब आपके पास वो जो शिफ्टिंग है उसकी, ये जो पॉइंट है, देखो अब ये ईस्ट नॉर्थ यहां बना लो, हाँ तो वो ईस्ट से नॉर्थ में गया ना, सॉरी ईस्ट में जा रहा है, कहां से नॉर्थ में, ईस्ट में जा रहा है बच्चों कहां से नॉर्थ में, ये याद रखो ये वर्ड, ईस्ट में जा रहा है कहां से नॉर्थ में, नॉर्थ से जा रहा है ईस्ट में। हाँ तो देखो वो कितना शिफ्ट हो गया यहां से, उसकी पोजीशन 37 डिग्री, कितनी शिफ्ट होगी बच्चों 37 डिग्री, तो आंसर आएगा 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मेरी बात समझ आई? अब ये देखो, ये माइनर मिस्टेक मत करना, कंपटीशन में हजारों बच्चे बैठेंगे आपके साथ, लाखों बैठेंगे बल्कि, अब सभी के दिमाग में फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो आते हैं वो यही गलती कर जाएंगे, 53 देखेंगे सीधा ऑप्शन ए मार देंगे। लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ईस्ट का मतलब वो नॉर्थ से ईस्ट में जा रहा है। हाँ याद ना रहता, याद रख लो, पीछे वाला ना उससे आगे जाते हैं, पीछे से आगे जाते हैं, देखो हमेशा तरक्की कहां से होती है, आप पीछे से आगे ना, आगे से तो पीछे नहीं होती, तो याद रख लो कि पीछे से आगे जाते हैं, नॉर्थ से किधर जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वो भी सवाल नॉर्थ में गया, नॉर्थ से शिफ्टिंग किधर हुई है उसकी, ईस्ट में ना। हाँ तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ आ गया? क्लियर? हाँ आगे देखो बेटा, अब उसके बाद आता है लॉग पैरेललोग्राम लॉग, ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब आता है बेटा आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? देखो बच्चों दोनों का आंसर वही रहेगा, दोनों सिचुएशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो वही आएगा, ट्रायंगल लॉ में भी और आपका पैरेललोग्राम लॉ में भी। कैसे देखते हैं, ये एक बॉक्स है बच्चों आपके सामने, ये एक आपके पास 3D बॉक्स है, ठीक है। इसको ये दो बंदे, एक है मान लिया आपके पास राम, एक है श्याम, राम और श्याम दोनों पकड़ के इसको खींच रहे हैं। राम इसको पकड़ के ऐसे ही खींच रहा है, इधर दोनों ने रस्सी बांध रखी है, ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों ऐसे जाएगा। ये जो बना आपके पास, देखो ये जो रिजल्टेंट बना, ये एक लॉ पैरेललोग्राम बन रहा है आपके पास। थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है आपकी। बोलो बन रही है या नहीं बन रही है? ये दो वेक्टर्स की डायरेक्शन है, इसको वेक्टर ए कह दो, इसको वेक्टर बी कह दो। तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी बच्चों तो वहां लगाएंगे लॉ पैरेललोग्राम। वहां क्या लगाएंगे बच्चों? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या चेंज है? रिजल्ट सेम है तो मैडम इसमें चेंज क्या आया बताते हैं बच्चों। देखो मानिए ये वेक्टर ए है बच्चों और ये वेक्टर आपका बी है। देखो ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहे थे बेटा? हेड को टेल से कनेक्ट करके फिर रिजल्टेंट बना रहे थे। ट्रायंगल लॉ में हेड टेल मेथड यूज करा था आपने तमन्ना। हाँ बेटा लेट आए तमन्ना, मैं आपका नाम बोल रही थी बीच में काफी देर से। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बच्चों बी, ठीक है। ये आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा हेड टेल मेथड, लेकिन यहां देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में निकल रहे हैं, टेल टेल कनेक्टेड है। क्या है? टेल टेल कनेक्टेड है। देखो आप आपने बॉक्स में जब समझा तो बॉक्स में भी तो सेम ही सिचुएशन थी ना बेटा, ये दो पर्सन ऐसे खींच रहे थे, ठीक है। अब देखो अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल, कल आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? लो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बच्चों। तो पैरेलल शिफ्टिंग में क्या था? ये वेक्टर ए है बच्चों और ये वेक्टर बी है बेटा, है ना। तो देखो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, मैं पैरेलल ही देखो, ये था ना, ये वेक्टर ए है तो मैं इसको पैरेलल ही इधर शिफ्ट कर सकती हूँ। मैं बोल रही थी तो आपको आई नहीं थी, कोई नहीं बेटा, ठीक है। हाँ तो ये वेक्टर बी है बेटा, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दो मैं, देखो यहाँ पे। हाँ तो देखो ये यहां से ऐसे मिल गया यहाँ पे, तो ये जो बना आपका देखो ये भी बी तो है बच्चों, तो ये बना रिजल्टेंट, और ये ए है तो पैरेलल शिफ्टिंग में बच्चों ये भी ए ही है आपका। बोलो बना या नहीं? देखो बात तो वही है ना, देखो सिचुएशन तो वही आ गई ना हमारे पास, इसलिए रिजल्ट सेम आएगा बच्चों। लेकिन डिफरेंस भी ये है कि उसमें हम हेड टेल यूज करते हैं, लेकिन ये कब यूज करेंगे? जब दो वेक्टर की टेल से टेल कनेक्टेड होगी, ताल से ताल कनेक्टेड होगी, ठीक है। टेल से टेल कनेक्टेड होगी, दोनों वेक्टर एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे होंगे, दोनों वेक्टर एक पॉइंट से बच्चों डाइवर्ज हो रहे होंगे, तब लगाएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और जनरली बच्चों ज्यादा यूज में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही आता है, ज्यादा हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ ये नोट कर लो एक बार जल्दी से, मैं फिर से लिखती हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का। हाँ इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन डायगोनल, कॉमन डायगोनल। ये आर जो है ये क्या बताएगा? लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो अभी तक आप लोगों ने वेक्टर का जस्ट नाम सुना था, अब आप वेक्टर को यूज करना सीख रहे हैं कि वेक्टर को आप
यूज बच्चों कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब मैं बताती हूँ, बनाती हूँ, देखो फिर से देखो। आपके पास क्या है बेटा, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये है बच्चों एक वेक्टर बी बेटा, ठीक है। आपने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी बच्चों, ये वेक्टर बी बना बच्चों, तो ये बना आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये पूरा एंगल देखो, पहले ही ए और बी के बीच में पूरा एंगल थीटा था, ये पूरा एंगल थीटा है, और इतने एंगल को मैंने अल्फा कह दिया। इसका भी एनालिटिक ट्रीटमेंट कल करेंगे बच्चों, इसका ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर की तरह, तुम भी डॉक्टर हो, इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। जब इसे अगर ट्रीटमेंट करेंगे कल, तो इसका रिजल्टेंट आएगा बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर, और ये डायरेक्शन अल्फा क्या बताएगा बच्चों, डायरेक्शन बताएगा, अल्फा क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन बताएगा, और इस अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों बी कोस थीटा ए प्लस बी साइन थीटा। ये कल निकालेंगे, अभी डायरेक्ट याद रखो जस्ट, आज तो मैं डायरेक्ट सिखा रही हूँ ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। हाँ, अब बुक की लैंग्वेज समझ लें, अब बुक की लैंग्वेज समझते हैं। हो गया, अब देखो, हाँ अब देखिए, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लिख लेना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ए, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम इन मैग्नीट्यूड, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ब्रैकेट लिख लो टेल टू ज्वाइंट, टेल टू टेल, टेल टू टेल, वहां मैंने लिखा था हेड टेल, वहां मैंने लिखा था हेड टेल, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, देन द रिजल्टेंट is given by, is given by diagonal in magnitude and direction, in magnitude and direction, the resultant is given by diagonal in magnitude and direction starting from, starting from, starting from intersection, intersection of two vector, two vector, क्योंकि ये याद नहीं रखनी आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज, ये इतनी बड़ी इंग्लिश याद नहीं रखनी आपको, घबराना मत, और रखने भी पड़े तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लिख देंगे, ठीक है। हाँ मैं बताती हूँ, देखो उसने जैसा जैसा कहा मैं वैसा वैसा बना के बता भी चुकी, फिर आप समझा भी देते। उसने कहा इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देखो ये कोई भी पैरेललोग्राम है बच्चों, ये कोई भी क्या है आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो ये इसकी दो एडजेसेंट साइड कहलाएगी, ये और ये, या ये कोई से भी ले लो, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये बच्चों डायरेक्शन होगी इन दो वेक्टर्स की। ज्वाइन टेल टू टेल, टेल से टेल जोड़ दी, ताल से ताल जोड़ दी, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल, तो रिजल्टेंट कौन बताएगा बच्चों इसका, डायगोनल, कौन बताएगा डायगोनल,
इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन बच्चों ये बेस वेक्टर ए से कितने एंगल पर है, और इन दोनों बीच वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा बच्चों। तो ये अल्फा है वो डायरेक्शन बताएगा बच्चों, अल्फा क्या बताएगा बच्चों, डायरेक्शन बनाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर, डायगोनल कहां से जाएगा, इन दो वेक्टर के इंटरसेक्शन से जाएगा, कहां जाएगा, दो वेक्टर के इंटरसेक्शन से जाएगा आपके पास, समझ आया। आप न्यूमेरिकल देखो एक, हाँ बिल्कुल सिंपल है, टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम टेल टू टेल, देन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्ट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर, ठीक है। हाँ आप न्यूमेरिकल देखो एक इसका, समझ तो जब आएगा जब न्यूमेरिकल में लगाएंगे, बाकी ऐसे मैंने बता दिया इसका क्या आएगा, एस रिजल्टेंट जैसे मैंने अभी बताया वही आएगा, ठीक है। वो ट्रीटमेंट इसका कल, ऑपरेशन इसका कल करेंगे, ठीक है। आज तो सिर्फ बीमारी देख रहे हैं इसकी क्या है, आज तो सिर्फ इसकी बीमारी चेक करिए इस मेथड की, कल इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैज, वेक्टर ए लिखो, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या 10 न्यूटन लिख लो, या कोई भी यूनिट लिख लो, न्यूटन लिख लो, यूनिट लिख लो, कोई भी यूनिट, यूनिट में कुछ भी आ सकता है, कॉमन लिखो, इंजर्नल यूनिट, यूनिट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। एंड पॉइंट ड्यू टू वेस्ट, एंड पॉइंट ड्यू टू वेस्ट, एंड पॉइंट ड्यू टू वेस्ट, व्हाइल वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हाइल वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है बच्चों इसकी साउथ में, एंड पॉइंट ड्यू टू साउथ, एंड पॉइंट ड्यू टू साउथ, पॉइंट ड्यू टू साउथ, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन का ए पार्ट है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्वेश्चन का बी पार्ट है बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब कहो मैडम ए माइनस बी तो आपने सिखाया नहीं, आप तो एडिशन सिखा रहे हो, अब मैं सिखाऊंगी इसको भी आपको, ठीक है। स्पेसिफाइंग द रिलेटिव डायरेक्शन ड्यू टू ईस्ट, स्पेसिफाइंग द रिलेटिव डायरेक्शन, फाइंड द रिलेटिव डायरेक्शन, रिलेटिव डायरेक्शन ड्यू टू ईस्ट, ड्यू टू ईस्ट बच्चों। नोट करिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पारस, पारस नहीं आया आज, आज ये कुछ बच्चे भी, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, कुछ बच्चे आते ही रहते हैं, फिर अटेंडेंस टाइम पे फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, मेरे पास तुम्हारे, मेरे देखो पैरेलल में फोन लग रहा है मेरे पास कंप्यूटर में साथ में, तो मैं दिखाती हूँ, मैं देखो लग रही है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कौन बच्चा बीच में आ रहा है जा रहा है, अब लास्ट में जो तुम्हारे नंबर लगेंगे ना एक भी नहीं लगाऊंगी, ये तो बीच 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 में जाते हैं ना ये बच्चे, ये ध्यान रखे इस बात का, ठीक है। याद रखो प्लस वन का रिकॉर्ड भी आजकल फाइनल में जरूरत पड़ती है, अब पता है 12th का जो रिजल्ट बना है उसमें प्लस वन का रिकॉर्ड भी पैरेलल में यूज हुआ है, प्लस वन के 30% मार्क्स जुड़े हैं वहां पे, इसलिए प्लस वन को सीरियस लो। हाँ जल्दी से नोट कर लिया क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन देख लिया आप, देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है बच्चों, हाँ पहले किधर जा रहा है वो वेस्ट में, वेक्टर ए किधर है बच्चों आपके पास, ए की डायरेक्शन किधर थी आपके पास, ईस्ट में, वेस्ट में,
20 मीटर, 20 यूनिट जो भी था। और फिर किधर जा रहा है बच्चों बी, ये आपका ए वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड तो वही है बच्चों, लेकिन वो साउथ में जा रहा है आपका, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन बी किधर जा रहा है आपका, साउथ में आपके पास, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग दिखा दे यहां से, ये आपके पास ये बना बच्चों आपके पास पैरेलल शिफ्टिंग, ये बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये पूरा एंगल मैंने थीटा मान लिया और ये एंगल मैंने बच्चों अल्फा मान लिया। हाँ तो देखो ए और बी का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखो ये 20 है तो ये भी 20 ही है ना बच्चों, कोई सी दो ट्रायंगल ले लो और ये भी 20 ही है, तो या तो ये मान लो ए बी सी डी, छोटा लिख लो ए बी सी, इसको डी मान लो, दो ट्रायंगल बन रहे कोई सी भी ले लो, वैल्यू बराबर है। हाँ तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यहां से आपके पास बताओ, जब आप ए प्लस बी निकालोगे क्या निकालना आपको, ए प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड, या वैसे भी आपके सामने दिख रहा है ये, या तो आपके पास सीधा सीधा कि ये 20 ये 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा भाई, पाइथागोरस तो समझ आती है। हाँ ये मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, अब थीटा 90 है बच्चों, देखो इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में थीटा कितना है हमारे पास, ये 90 डिग्री, देखो जो भी डायरेक्शन है वो सभी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है आपका, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा बच्चों 400 प्लस 400, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 800 इसका अंडर रूट, ठीक है। हाँ तो इसको आप लिख सकते हो 8 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 20 रूट 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 रूट 2 आ जाएगा आपका आंसर, तो आर आ गया बच्चों आपका 20 रूट 2। अब डायरेक्शन निकाल लो, हाँ हाँ डायरेक्शन टेन अल्फा, देखो टेन अल्फा, अल्फा देखो ये रहा, ये एंगल अल्फा है, तो देखो ये तो ये ट्रायंगल देख लो अब यहां से कोई सी देख ली, तो अल्फा देखो ये क्या बना बच्चों परपेंडिकुलर, ये बना बेस, देखो ये ट्रायंगल बनी हुई, देखो ऐसे ये ऐसे ट्रायंगल बनी हुई, ये आपके पास ऐसे और ये ऐसे, ये भी 20 ये भी 20 और ये आर है आपका, ये एंगल अल्फा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा बच्चों, टेन अल्फा 20/20 कितना हो गया बच्चों 1, और अल्फा 1 कब होता है बच्चों 45 डिग्री, टेन अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू जब थीटा कितना हो 45 डिग्री, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। अरे टैन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर ना, 45 डिग्री पर, तो अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। हाँ अब ये देखो 45 डिग्री है इधर, अल्फा आया आपका 45 डिग्री, किधर जा रहा है बच्चों देखो इधर से साउथ में जा रहा है ना, तो क्या लिखोगे साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ में जा रहा है किधर से, वेस्ट में, साउथ में जा रहा है बच्चों किधर से, वेस्ट से, तो क्या लिखोगे साउथ ऑफ वेस्ट, क्या लिखोगे बेटा साउथ ऑफ वेस्ट, इतना समझ आया या नहीं आया बताओ एक बार मेरे को, क्या लिखोगे बेटा साउथ ऑफ वेस्ट, इतना क्लियर हुआ या नहीं बताओ, या फिर से रिपीट करो, आ गया सबको, सभी का हो गया, चलिए। हाँ अब देखो बी पार्ट, इसका आंसर लिख लो, ये इसका आंसर लिख लू मैं ए प्लस बी का, फिर एक कंसेप्ट समझना है बच्चों यहां से आपका, और टेन अल्फा आया ए प्लस बी की वैल्यू आई बच्चों आपकी 20 रूट 2, और आर आया बच्चों अल्फा आया आपका 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। हाँ अब कंपेरिजन करेंगे, देखो अब उसने कहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालिए, तो आपके पास एक बार वेस्ट में गया बच्चों, एक बार वो साउथ में गया, तो ये बना आपका रिजल्टेंट बच्चों यहां से,
सीधा सीधा थीटा, थीटा आपका 90 डिग्री है ना। हाँ तो उसने, अब उसने कहा है आपको a माइनस बी निकालूंगी। अब मैंने तो प्लस ही सिखाया आपको, मैंने तो आपको प्लस ही सिखाया है ना, एडिशन ही सिखाया, घटाना बताया ही नहीं। लेकिन आप सीखते देखो, एक्चुअली बच्चों घटाना नहीं होता, एडिशन ही होता है। बुक्स में तुम्हें सब्ट्रैक्शन लिखा मिलेगा, लेकिन होता क्या देखिए। हाँ, वेस्ट से किधर जा रहा है, साउथ में, तो क्या लिखोगे, साउथ और वेस्ट लिखोगे ना। वेस्ट से किधर गया बेटा, साउथ में गया ना दिव्या। देखो पहले वेस्ट में जा रहा था, वेस्ट से उसने ट्रेन ले ली साउथ में, वेस्ट से उसने ट्रेन किधर ली, साउथ में, तो किधर गया, वेस्ट से साउथ गया ना दिव्या। हाँ तो मैंने क्या कहा था, जिधर जा रहा है वो पहले आ जाएगा, जिधर जा रहा है वो वर्ड पहले लिखोगे, तो क्या लिखोगे, साउथ ऑफ वेस्ट। दिव्या नहीं आया बेटा, क्या लिखोगे, साउथ ऑफ वेस्ट। कल बताया था ना मैंने, जैसे मैंने कहा आप ऐसे जा रहे हो नॉर्थ में और फिर आपने इधर टर्न ले ली, तो आप इस पॉइंट पे आ गए, तो इसको इस पॉइंट को क्या लिखोगे, आप किधर जा रहे हो, वेस्ट में, तो क्या लिखोगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या लिखोगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ अब देखो a माइनस बी के लिए कंसेप्ट समझो, देखो इसको मैंने पैरेलल शिफ्टिंग सिखाई थी ना बेटा, तो b को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं ऊपर, बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बेटा। b को मैं ऊपर पैरेलल शिफ्ट कर दूं, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, बाकी तो देखो मेरे पास सेम सिचुएशन है। अब ये आपके पास वेक्टर a और ये वेक्टर माइनस बी आपके पास, तो ये बना बच्चों आपका रिजल्टेंट। अब आपका देखो मैंने साथ बना के दिखाया, ये वेक्टर, तो अब लिखोगे वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस माइनस b, माइनस साइन या डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। हाँ तो देखो ए से, अब वो यहां से नॉर्थ में जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये कैसे डायरेक्शन है बच्चों, नॉर्थ, तो ये पूरा एंगल थीटा जो कि 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फा, क्योंकि वेस्ट से नॉर्थ में गया है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड तो बच्चों वही रहेगा 20√2, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड तो वही आ जाएगा 20√2। अरे इसका करोगे तो देखो यही तो आएगा ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कोस थीटा, थीटा 90 है तो कोस 90 पता है जीरो है, तो ये फैक्टर तो पूरा जीरो बन जाएगा। अब ऐसे देख लो आप अपने पाइथागोरस थ्योरम से सीधा सीधा, आप अपने पाइथागोरस थ्योरम से भी सीधा सीधा समझ सकते हो, 20 का स्केयर क्या मिलेगा, 20√2। अब डायरेक्शन देखो, टेन अल्फा, ये रहा tan alpha वही आ जाएगा बच्चों 1 के बराबर, तो alpha आ गया 45 डिग्री। अरे 20/20 करोगे, लेकिन डायरेक्शन देखो किधर, अब वेस्ट से किधर जा रहे हो, नॉर्थ में, तो क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्या लिखोगे डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो देखो बच्चों, आप यहां पे ये तो दो सिचुएशन आई, ये दो सिचुएशन, ये वाली और ये वाली सिचुएशन, r बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, आप मैग्नीट्यूड वाइज तो कह सकते हो कि r बराबर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि a प्लस बी बराबर है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड बराबर है बच्चों 20√2 20√2, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है बच्चों, इसकी डायरेक्शन है साउथ ऑफ वेस्ट और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते बच्चों कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू b b a माइनस बी,
ऐसा लिख सकते हो, लेकिन अगर ये मैंने मोड़ नहीं लगाया तो आप ऐसा बच्चों नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं होंगे बच्चों, दीज आर नॉट इक्वल, मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये इक्वल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? क्लियर हुआ? और याद रखना ये सिचुएशन कब है, जब ए परपेंडिकुलर है बी के। ये दोनों कंडीशन कब है बच्चों? जब ए परपेंडिकुलर है बी के, मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ए और बी के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री है। क्लियर हुआ? बताइए मेरी बात इतनी समझाइए। क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट और फिर क्लास छोड़ देते हैं। हाँ, 16 तारीख से शायद आपके स्कूल खुल रहे हैं बच्चों, खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? खुशी हो रही होगी ना, घर रह रह के बोर हो गए होंगे सारे, ऑनलाइन में पढ़ पढ़ के भी बोर हो गए होंगे। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों पॉलीगन और वेक्टर एडिशन, बस छोटा सा पार्ट है 2 मिनट का, फिर एक मेथड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पॉलीगन लॉग वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉग वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, एडिशन। हाँ, अब देखो बेटा, मान लिया बच्चों आपके पास ये नंबर ऑफ वेक्टर, पॉलीगन, पॉलीगन समझते हैं नंबर ऑफ साइड, पॉलीगन वर्ड क्या होता था? नंबर ऑफ साइड। हाँ, तो जैसे ये आपके वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है बेटा, ये वेक्टर डी है, मान लिया ये वेक्टर है। हाँ 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 बेटा, ठीक है, अब इनको ऐड करना है बच्चों, तो इसमें क्या करना है बच्चों, एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से सेम ऑर्डर में कनेक्ट करते जाओ। जब आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हो तो एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से सेम ऑर्डर में कनेक्ट करते चले जाओ। देखो वेक्टर ए है आपके पास, ये बना वेक्टर ए, बी की टेल को इससे कनेक्ट कर दो तो ये आ गया वेक्टर बी सेम ऑर्डर में, फिर ये सी से कनेक्ट कर दो, फिर ये डी से कनेक्ट कर दो, ऐसे सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया, तो वैसे भी एक पॉलीगन ही होती है ना, ऐसे 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 ये पॉलीगन बन गए। हाँ, तो देखो ये जो होगा, अब अपोजिट साइड जो होगी, ये जो अपोजिट साइड होगी ये रिजल्टेंट बताएगी। रिजल्टेंट तुम कर चुके हो बेटा, बिल्कुल। देखो कैसे, अब सीधा सीधा देखो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो बच्चों, तो देखो इसको थोड़ा इसको हटा दो, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आर, ये आर आर वन आ गया ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को ले लो, यहां से देखो अब देखो ये आर टू लिख देती हूं मैं, आर टू, तो आर टू देखो, अब ये एक ट्राइंगल बन गई, इसको नाम दे दो एम ए एल ए एन ए एच ए टी नाम दे दो। आर वन कहां से आया आपका? ए प्लस बी, किस ट्राइंगल से आया? ट्राइंगल एम एल एन से, ठीक है। इसी तरह आर टू बच्चों कहां से आया? आर टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फ्रॉम टेन ट्राइंगल एम एन एच, एम एन एच से बच्चों। इसी तरह वेक्टर आर, आर रिजल्टेंट जो है हमारा, इसमें एक ट्राइंगल बनेगी, देखो ये बना आर टू प्लस डी, आर टू प्लस डी, आर टू की वैल्यू कितनी है बच्चों? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस डी, यह आया ट्रायंगल एम एच, एम एच, एम एच टी से। तो जब नंबर ऑफ साइड हो तो उनको सीधा सीधा सम करके लिख दो, मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और भी होंगे तो और ऐसे ऐड होते चले जाएंगे, और भी होंगे तो बच्चों सभी एक दूसरे के साथ ऐड होते चले जाएंगे आपके पास, ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं पॉलीगन लॉग वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? पॉलीगन लॉग वेक्टर
एडिशन आपका। समझ आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बस दो पॉइंट और फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा हमारा। क्लास तो नहीं आ गई ना बायो की अभी आपकी, ये आ गई 40 पे है ना, अभी 30 पे है। हाँ बस फिर ये मैथड फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कल ना, इसलिए हटा दो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। हाँ अब देखो, चलो कल करवा दूंगी, नहीं कोई नहीं फिर आपकी बायो की क्लास हो जाएगी ना, कोई नहीं कल करवा दूंगी। वो एक क्वेश्चन देख लो ना, कल मेरे पास डाउट्स था आपका, क्या ग्रुप में सॉल्व करके भेजो उसको, मैं भेज दे बता देती हूँ। शायद किसका आया था मैसेज, अवंतिका सृष्टि ने भेजा था, किसने भेजा था, निशा ने भेजा था। हाँ ये क्वेश्चन था, ए क्यूब बी स्क्वायर रूट सी डी, एक्स बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर रूट सी डी। हो सकता है बच्चों एक आध क्वेश्चन में, बस एक सेकंड बच्चों, रूट सी डी ए क्यूब बी स्क्वायर रूट सी डी, ए बी सी डी 1%, 2%, 4%, 1%, बी 2% और सी 4% और डी भी कितना था 4%। एक तो क्वेश्चन में बच्चों ध्यान नहीं रहता, मैं सीधा फोटो क्लिक करके डालती हूँ ना, उस टाइम सॉल्व तो करती नहीं हूँ। बस दिया एक मिनट बेटा। हाँ तो उसमें ये पूछा है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 into delta A by A प्लस 2 into delta B by B प्लस 1/2 delta C by C प्लस 1/2 delta D by D ठीक है। हाँ तो ये बना बच्चों डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज, तो 3 into delta A by A तो देखो ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 1, इसी तरह डी की दे रखी है बच्चों 2 और सी की दे रखी है बच्चों 4 और डी की भी दे रखी है बच्चों 4 आपकी। हाँ वो सॉल्व कर लो एक बार, अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं सबको एक नंबर दे दूंगी उसका। 3 plus 4 ये 2 और ये भी 2, ये आया बच्चों 4 3 7 7 and 2 11% आएगा है ना। एक लड़की ने शायद मुझसे कहा भी था और शायद मैंने डी डाल दिया था ना, यस यस। हाँ तो आप ये आपको एक नंबर मिल जाएगा सब बच्चों को, मैं रिजल्ट जब बनाऊंगी तो दे दूंगा ठीक है। मेथड चेंज नहीं होगा, हो सकता है बच्चों क्वेश्चन में गलती हो जाए लेकिन आपने जो मैंने समझाया उसमें मिस्टेक नहीं होगी। यस बेटा यस, अटेंडेंस भेजो फटाफट सारे बच्चे अभी। हाँ बायो की क्लास आके अटेंडेंस भेज दो।